हाजी मोहम्मद इलियास सेठ बागबान की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत से गुलबर्गा के नौजवानों में काफ़ी जोश खरोश देखा जा रहा है। हैदराबाद से गुलबर्गा वापसी के रास्ते पर यह जोश खरोश साफ नजर आया। गुलबर्गा में दाखिल होते वक्त भी नौजवानों ने भारी तादाद में बड़े पैमाने पर हाजी इलियास सेठ का खैर मकदम किया। आगरगा चौक पर भी सैयद मुबीन और उनकी टीम ने इलियास सेठ का पुरजोश इस्तकबाल किया। इलियास सेठ की गुलपोशी के लिए यहाँ एक खसूसी टेंट ही लगाया गया था। इस खसूसी टेंट में कई एक नौजवान और ख्वातीन बेसब्री से इलियास सेठ का इंतजार कर रहे थे। आगरगा चौक पर इलियास सेठ की आमद पर सैयद मुबीन और उनकी टीम ने इस्तकबाल किया। सैयद मुबीन और उनकी टीम ने गर्मजोशी से इलियास सेठ और डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट हाजी अब्दुलरहीम मिट्टी की कसरत से गुलपोशी की। इमाम साहब, शेख सिराज, मोहम्मद अली, सैयद अली, जाकिर खैर जी और कई ख्वातीन इस मौके पर मौजूद थे। इलियास सेठ साहब जो हैदराबाद दारुसलाम में असद ओवैसी साहब के पास ज्वाइनिंग करके जो गुलबर्गा आए हैं, ये रैली वाकई में एक कामयाब रैली है। इससे ना जाने कई लोगों की नींद उड़ गई। आज आगरगा चौक पर उनकी गुलपोशी किया गया, वेलकम किया गया, खुशामद किया गया। आज इतिहाद चौक, फिरदौस नगर, आगरगा क्रॉस, ये यहाँ के पूरे तमाम लोग ये मिलकर ये एतमाद कर लिए कि अब ये इंशाल्लाह MIM पार्टी इलियास सेठ साहब ही इंशाल्लाह नेक्स्ट MLA होंगे इंशाल्लाह। जो वाकई में ऐसी पार्टी कहीं भी नहीं है। इलियास सेठ जिंदाबाद, इलियास सेठ जिंदाबाद। और हम तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप सोच समझ कर आगे बढ़िए और इलियास सेठ साहब का तमाम लोग आप मिलकर कामयाब बनाइए और भरपूर साथ दीजिए, ताकि कोई ऐसा ना हो कहीं हम किसी को वो ये करते रहे हम कहीं और दूसरा का हाथ ना मार ले जाए। इसलिए एक होकर इत्तेहाद और एक होकर आप अपने कामयाब के साथ इलियास सेठ साहब को कामयाबी दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट MLA इलियास सेठ होंगे नॉर्थ से इंशाल्लाह। इलियास सेठ जिंदाबाद।